गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा एक्सप्रेशन. इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक किया था. टुडे वी विल डिस्कस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं. यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके भी हम दो मेथड करेंगे. फर्स्ट इज लीनियर मेथड और सेकंड इज कॉलम मेथड. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर मेथड. लीनियर मेथड के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी 3x एंड 5x की मल्टीप्लाई करेंगे. आपके एग्जाम में आएगा कि 3x कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, 3x 5x की मल्टीप्लीकेशन कीजिए. वन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, टू वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. सबसे पहले हम लीनियर मेथड के द्वारा वन वेरिएबल मीन्स एक एक्स ओनली, सिंगल एक्स. वेरिएबल्स के द्वारा लीनियर मेथड और फिर हम करेंगे कॉलम मेथड से कैसे सबको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट लीनियर मीन्स एक ही लाइन में सबको सॉल्व करना. फॉर एग्जाम्पल 3x एंड 5x. 3x देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई साइन देन 5x. आपने क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसकी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है और जो वेरिएबल्स है उनकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है. 3 5 15, x की मल्टीप्लाई करनी है दूसरे x के साथ, तो x की ऊपर पावर 1 और पावर इसकी भी 1. अगर आपको यहाँ पर 2 दिया है, पावर 2 है, इट मीन्स की पावर 2 है, तब आप क्या करोगे, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं सम के लिए तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में एड हो जाती है. 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4. अगर आपकी पावर नहीं गिवन आपको तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर क्या है 1. तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, इट मीन दोनों को आपस में ऐड करोगे 1 + 1, इट मीन x की पावर क्या हो जाएगी 2. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 x की पावर 2. तो ये था लीनियर मेथड मल्टीप्लीकेशन के लिए. अब आप कॉलम मेथड के द्वारा सम को कैसे सॉल्व करोगे, एज इट इज 3x और नीचे आपको 5x और इसकी मल्टीप्लाई करनी है. आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 5x को ऊपर रखकर 3x को नीचे डाउन साइड रखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. सेम एज इट इज, कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट के साथ और वेरिएबल की वेरिएबल के साथ. कॉन्स्टेंट 3 5 15, एक्स की पावर 1 यहाँ पर है, एक्स की पावर 1 जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2. सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे ही 3 5 15 और एक्स की पावर 2. तो ये था, अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल्स आ जाए तो आपने लीनियर मेथड और कॉलम मेथड के द्वारा उसको कैसे सॉल्व करना. क्लियर? अब हम करेंगे कि अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल ना होकर डबल वेरिएबल आ जाए तो कैसे इसको सबको सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल 2a + b, आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4a के साथ. तो फर्स्ट मेथड कौन सा आपका, लीनियर मेथड. लीनियर मेथड के साथ आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट को एज इट इज रखोगे 2a + b, फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई साइन और किसके साथ करनी है, 4a के साथ. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने इस 4 को, जो आपका 4 है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कॉन्स्टेंट के साथ और फिर b के साथ, देन प्लस का साइन है और फिर b के साथ. 4 को इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2a देन मल्टीप्लाई साइन और 4a. उसके बाद क्या आ गया, प्लस, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई,
बी मल्टीप्लीकेशन देन 4a। दोबारा बता देती हूँ, 2a एज इट इज आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 4a के साथ, देन प्लस का साइन, b एज इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन 4a। अब इसको सॉल्व करना है, 2 4 8, a की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है, आपस में एड हो जाती है, 1 + 1 2, देन प्लस साइन, यहाँ पर 1 है, 1 बी 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 4 4, ए एज इट इज एंड बी एज इट इज, ये आपका आंसर है। ये तो था लीनियर मेथड के साथ आपने मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब है कॉलम मेथड के द्वारा इसको सम को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज स्टेटमेंट रखेंगे हम, तो इसको करना कौन से मेथड के द्वारा है, कॉलम मेथड के द्वारा। 2a प्लस बी, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4a के साथ। तो कैसे करना है, आपने पहले इसको आपने इस 2a के साथ मल्टीप्लाई करनी है, देन प्लस साइन, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है। जब भी आप अलजेब्रा में सम को सॉल्व करते हैं तो आप फर्स्ट डिजिट की इसके साथ पीछे से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा अलजेब्रा में आगे से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे आप, 2 6 जा पीछे से स्टार्ट करते हैं, 6 2 12, 1 carry 2 1 2 और 3, बट अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता, अलजेब्रा में फर्स्ट आगे से स्टार्ट करते हैं। इस पर क्या करेंगे आप, 4 2 8, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, ए प्लस ए, ए की पावर 2, देन प्लस का साइन, 4 1 4, ए और बी अलग अलग कांस्टेंट हैं तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो इनको बाद में आप इस तरह राइट। तो ये था आज हमने किया है मल्टीप्लीकेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन में लीनियर मेथड और कॉलम मेथड के द्वारा सम को सॉल्व किया था, कि अगर सिंगल वेरिएबल्स आ जाए तो आपने सम को कैसे सॉल्व करना है, और सिंगल ना होकर डबल आ जाए तो आपने सम को कैसे सॉल्व करना है लीनियर मेथड और कॉलम मेथड के द्वारा। अगर एग्जाम में सीधा सम दिया हुआ है वहां पर आपको मेंशन नहीं किया है कि आप सम को लीनियर मेथड के द्वारा सॉल्व करो या कॉलम मेथड के द्वारा सॉल्व करो, तो आपने कोई भी मेथड यूज करके इसको सम को सॉल्व करो। अगर मेंशन है कि लीनियर मेथड से करिए तो आपने लीनियर मेथड के द्वारा सम को सॉल्व करना है, अदरवाइज एज यू विश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।